देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, ए एंड बी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद कैपिटल्स इन द रेशियो 4:5. आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ 1/4 ऑफ हिज कैपिटल एंड बी विड्रॉ 1/5 ऑफ हिज कैपिटल. द गेन एट द एंड ऑफ 10 मंथ वाज 760 एस शेयर इन द प्रॉफिट. हमें ए का जो कितना शेयर है प्रॉफिट में, ये हमें फाइंड करना है. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसका जो है वो रेशियो निकाल लेते हैं. सो ए इज रेस टू बी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसका इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, 4x मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि आफ्टर 3 मंथ के बाद वो 1/4 जो है वो विड्रॉ कर लेता है उस कैपिटल से. सो प्लस जाएगा 4x माइनस 1/4 ऑफ 4x, क्योंकि 4x जो है वो उसका इन्वेस्टमेंट था, उसमें से 1/4 जो है वो विड्रॉ कर लेता है, मल्टीप्लाई बाय 7 मंथ के लिए, क्योंकि 10 साल के लिए है, सॉरी 10 मंथ के लिए उसका बिजनेस है, मल्टीप्लाई बाय 7. उसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा 5x मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मंथ के बाद वो भी जो है वो 1/5 विड्रॉ कर लेता है. सो 5x माइनस 1/5 ऑफ 5x मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 7 मंथ के लिए उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 5x में से 1/5 कर दे निकल दे जो विड्रॉ कर लेता है उसका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7. सो यहाँ पर इस तरह से होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 12x प्लस 21x is raised to 15x plus 28x is equal to, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, सो 33x plus 43x, तो यहाँ पर x से x काट देंगे, सो 33 is raised to 43 जो है वो इसका रेशियो हो जाएगा. तो इसका प्रॉफिट जो है वो है 760 मल्टीप्लाई बाय, हमें ए का शेयर फाइंड करना है, ए का रेशियो 33, सो 33 डिवाइड बाय 76 करेंगे, सो ए का जो शेयर है वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 330 330. सो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है. सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर.